मेरा नाम पास्टर गैरी है और मैं आज यहाँ पे परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। ये सफ़र इतना आसान नहीं था। इससे पहले के 10 साल की एज में मैंने पट्टे पेटों का काम किया है। ये काम मैंने अपने फादर के साथ, मदर के साथ और सिस्टर के साथ करीब 20 साल तक काम किया है। सिस्टर जो थी वो बड़ी थी, उनकी शादी के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे और हमें पैसों की ज़रूरत थी। पट्टे वालों से हमने सिस्टर की शादी के लिए कर्ज लिया होता। पट्टे पे काम करने के लिए हमारी मजबूरी थी क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारा कर्ज था। पट्टे पे पेटों का काम करना इतना आसान नहीं है, वहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, और लेकिन हमें मजबूरी में वो काम करना ही पड़ता था। इतनी छोटी एज में पट्टे पे पेटों का काम करने से पूरे हाथों पे छाले पड़ जाते थे। इम्पैक्टेशन की टीम हमारे पट्टे पे सुसमाचार बांटने के लिए आई हुई थी, और उस वक्त जब वो सुसमाचार बांट रहे थे और कुछ लोगों की मदद कर रहे थे, तो उस वक्त इम्पैक्ट नेशंस की टीम जब लोगों को खाना खिला रही थी और कुछ कपड़ों की हेल्प कर रही थी, तो हमने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उस वक्त इम्पैक्ट नेशंस की टीम ने हमें यीशु मसीह के प्रेम में के बारे में बताया, लेकिन मैं कुछ यीशु मसीह के प्रेम के बारे में कुछ नहीं जानता था। लेकिन जब यीशु मसीह के प्रेम की स्टोरी उन्होंने मुझे बताई तो मेरे हार्ट को टच करे, तो मैंने उनसे यीशु मसीह के प्रेम के बारे में जानने के लिए बाइबल को मांगा, और फिर मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, बाइबल को और गहराई से पढ़ना शुरू किया, तो मुझे यीशु मसीह के गहरे प्रेम के बारे में पता चला, और फिर मेरे अंदर की जिज्ञासा जागी कि मैं भी इस जगह के ऊपर अपने लोगों के साथ यीशु मसीह के प्रेम को बांटूं। लेकिन हम पट्टे से बाहर निकलना चाहते थे लेकिन निकल नहीं पा रहे थे, तो हमने उनसे बहुत ज़्यादा मिन्नत की पट्टे वालों से, लेकिन वो 50% हमारा माफ़ कर्ज कर पाए और 50% हमारा चर्चों ने मदद की। पट्टे से निकलने के बाद मेरे मन में परमेश्वर के राज्य की सेवा करने के लिए जिज्ञासा जागी। स्टार्टिंग में मुझे बहुत सारी मुश्किलें आ रही थी, तो मेरे पास करीब करीब 10 लोग ही आ रहे थे, लेकिन जब हम बाहर एरिया में निकलकर परमेश्वर के सुसमाचार को बांट रहे थे तो हमारे पास गैदरिंग बढ़नी शुरू होगी। जब परमेश्वर के कार्य को हम करते चले गए तो परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और आज मेरे साथ लगभग 100 लोग हैं। अभी मेरी एज 32 हो गई है और 2 साल में से मैं परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहा हूँ। पहले मैं एक पट्टे का गुलाम था, आज मैं परमेश्वर का एक सेवक हूँ और परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा हूँ और रूहों को जीत रहा हूँ।